दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, आज के वीडियो में हमारे सामने है पावर ट्रैक यूरो 60 दोस्तों, जो कि पूरा 60 एचपी का ट्रैक्टर है। और ट्रैक्टर के बारे में पूरी बात करेंगे, टायर की, इंजन की, गियरबॉक्स की, लिफ्टिंग कैपेसिटी। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट टायर से। इसमें आपको फ्रंट टायर मिलेगा 750/16 का, गुडियर कंपनी का। आप चेंज भी करवा सकते हैं आपको अगर गुडियर का टायर पसंद नहीं है। और जो रियर टायर है, रियर टायर मिलेगा इसमें आपको 16/28 का, ये भी आपको इसमें गुडियर का ही मिलेगा। तो दोस्तों अब उसके बाद हम जो ट्रैक्टर के फ्रंट से शुरुआत करते हैं, आपको सबसे पहले जो ट्रैक्टर का बोनेट मिलेगा, बोनेट आपको यूरो नेक्स्ट सीरीज़ वाला ट्रैक्टर है ये, और इसमें आपको फ्रंट बम्पर भी मिलेगा। दोस्तों इतना तो हैवी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक काफ़ी स्टाइलिश सा बम्पर आपको देखने को जरूर मिलेगा। और अगर हम ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की बात करें तो दोस्तों 60 एचपी के अनुसार बहुत ही काफ़ी हैवी ड्यूटी एक्सल दिया हुआ है। फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है, इसमें आप लोडर, डोजर या पूरी जेसीबी का पूरा फिट करवा सकते हैं, तो आपको फ्रंट एक्सल चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम इसके जो पावर स्टीयरिंग की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको फ्रंट वो जो पावर स्टीयरिंग है, ड्यूल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग मिलेगा। और जो स्पैंडल है, स्पैंडल भी काफ़ी इसमें मोटे दिए हुए गए हैं, और गरारे वाला सिस्टम दिया हुआ है। ये सिस्टम कभी भी ख़राब नहीं होता है, जो चोकोर आता है वो सिस्टम दोस्तों कुछ दिन में उसमें पिले हो जाती है, और वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। और उसके बाद अगर हम ट्रैक्टर के इंजन की बात करें दोस्तों, इसमें आपको 4 सिलेंडर बोस का इनलाइन पंप मिलेगा, 4 सिलेंडर इंजन वाला इंजन है ये। और अगर हम ट्रैक्टर की सीसी की बात करें तो इसमें भी आपको 3682, काफ़ी बड़ी क्यूबिक कैपेसिटी है ट्रैक्टर इंजन की, 3682 का सीसी का इंजन मिलेगा, और पूरी 60 एचपी वाला इसमें आपको ट्रैक्टर मिलेगा। और अगर हम इसके फिल्टर की बात करें तो 500 घंटे की सर्विस अंतराल वाला एक फिल्टर, डीजल फिल्टर मिलेगा, और इधर मिलेगा आपको वाटर सेपरेटर। दोस्तों ट्रैक्टर की जो 60 एचपी बनाई गई है उसका मैं बता दूं, वो ईजीआर द्वारा बनाई गई है, क्योंकि जो सरकार के नियम है उसमें आप क्या करेंगे, आपको 50 एचपी से ऊपर जो भी ट्रैक्टर लाना है उसमें या तो ईजीआर लगाना पड़ेगा या फिर टर्बो लगाना पड़ेगा। तो कंपनी ने इसमें ईजीआर फिट किया हुआ है, जो कि ईजीआर होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। दोस्तों उसकी उस टॉपिक में मैं आपको अलग वीडियो बना के दूंगा। और हम ट्रैक्टर के इस साइड से बात करें तो इस साइड में आपको टैंडम पंप मिलेगा, जो फ्रंट वाला है ये आपको लिफ्टिंग वाला वो मिलेगा पंप, और जो पीछे वाला है, पीछे मिलेगा आपको इसमें पावर स्टीयरिंग वाला। आपको इसमें पावर स्टीयरिंग का अलग से सेपरेट रोल आ रहा है, ऊपर से अलग से डिब्बी दी हुई है 1 लीटर की। और जो फ्रंट एक्सल के ऊपर हाउसिंग में देख सकते हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी हाउसिंग दी हुई है। और यहाँ पर मिलेगा आपको जो ट्रैक्टर का ऑयल फिल्टर होता है, हर सर्विस पर चेंज होता है। और इसमें आपको स्पार्क मिंडा का सेल्फ मिलेगा, और इधर हो गया ये आपका अपना हाइड्रोलिक फिल्टर, और साइड में मिलेगा आपको बैटरी बॉक्स। दोस्तों अगर ट्रैक्टर क्लिच प्लेट की बात करें तो इसमें आपको सिंगल और डुअल दोनों क्लिच का ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी इच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। पावर स्टीयरिंग हो गया, और दोस्तों इधर मिलेगा आपको यूरो 60 दोस्तों, जो सुपर मैक्स वाला मॉडल है, और E4 दोस्तों, E4 का फिलहाल मुझे पता नहीं है, शायद मॉडल के हिसाब से आता है इनका E4। और अब अगर हम ट्रैक्टर के पायदान की बात करें तो सिंगल स्टेप वाला आपको पायदान मिलेगा। और अब मैं आपको ट्रैक्टर गियरबॉक्स दिखाता हूँ। दोस्तों ट्रैक्टर में जो गियरबॉक्स दिया हुआ है वो रिवर्स 1, 2, 3, 4, और इन साइड मिलेंगे आपको ABC, आप इसको लो, मीडियम और हाई भी बोल सकते हैं। तो 12 फॉरवर्ड मिलेंगे इसमें आपको, और 3 रिवर्स मिलेंगे। दोस्तों मुझे एक अच्छी बात क्या लगी पावर ट्रैक में और फार्म ट्रैक में, कि रिवर्स के बाद सीधा 1 गियर देते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम ट्रॉली फंस जाते हैं तो हम आगे पीछे करने में कई बार रिवर्स और फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है, तो काफ़ी अच्छी बात दी हुई है इसमें। और इस साइड आपको मिलेंगे ABC, जो कि ट्रैक्टर को 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स वाला गियरबॉक्स आपको देता है। और अगर ट्रैक्टर की साइड से बात करें तो PTO की बात करें तो इसमें आपको पावर टेक ऑफ जो PTO है, इसमें आपको मल्टी स्पीड PTO का ऑप्शन भी होगा, 540 का भी, और रिवर्स PTO का भी ऑप्शन मिलेगा। और जो इस साइड है, जो कंपनी प्लेट दी हुई है, इसमें आपको जो ट्रैक्टर की PTO पावर है वो 38.4 किलोवाट की, इसमें आपको PTO पावर मिलेगी, और ये इंडिपेंड PTO लीवर हो गया। दोस्तों ट्रैक्टर में रियर एक्सल की बात करें तो इसमें आपको EPI वाला रियर एक्सल मिलेगा, काफ़ी हैवी ड्यूटी, और इसमें आपको 3 स्लॉट वाली लिफ्ट सेंसिंग मिलेगी, और इधर आपको ऑक्सिलरी वॉल मिलेगा, और इधर मिलेगा आपको ट्रॉली ऑपरेट करने के लिए अलग से लीवर। और अगर हम ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 2000 से 2200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी, लिफ्ट आर्म भी काफ़ी हैवी दी हुई हैं, और एडजस्टेबल इसमें आपको हुक मिलेगा, और PTO का आपको मैंने बता ही दिया। और दोस्तों अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 5 साल की वारंटी या फिर 5000 घंटे, कंडीशन अप्लाई है, जो भी आपका पहले होगा उसके अनुसार आपको गारंटी दी जाएगी। दोस्तों ट्रैक्टर में जो हैलोजन लाइट है वो भी काफ़ी चेंज की हुई है पहले के मुकाबले।
और ट्रैक्टर में आपको केयर बटन मिलेगा 24x7 जो कि बोनेट के अंदर दिया हुआ है। आप कुछ ही सेकंड इसको केयर बटन को प्रेस करके जो एजेंसी द्वारा आपको या कंपनी द्वारा आपको रिप्लाई कॉल आती है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और साइड में आपको टूल बॉक्स भी मिलेगा दोस्तों। जैसे कि 60 HP का ट्रैक्टर है तो इसमें आपको 60 लीटर का ही आपको डीजल टैंक मिलेगा जो कि ट्रैक्टर को पूरे दिन चलाने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और इस साइड में आपको बैजिंग भी दी हुई है ABC 15 स्पीड, कंपनी द्वारा मेंशन किया हुआ है कि आपका 3 स्पीड वाला ट्रैक्टर है और 15 गियर इसमें आपको मिलेंगे। और जो नेक्स्ट सीरीज वाले ट्रैक्टर में आपको ये म्यूजिक सिस्टम वाला गाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसके पीछे आप अपना स्पीकर लगा सकते हैं। और जो ट्रैक्टर रेटेड RPM की बात करें तो इसमें भी आपको 1850 की रेटेड RPM मिलेगी क्योंकि क्यूबिक कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण ट्रैक्टर की रेटेड RPM कम हो जाती है, तो कम RPM पे ट्रैक्टर अच्छा टॉर्क। अगर इसकी टॉर्क की बात करें तो इसमें लगभग 250 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा जो कि अपनी श्रेणी में काफ़ी अच्छा टॉर्क है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।